संगत जी की आप जी पता है कि तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस वक्त आनंदपुर साहब तो नहान जा रहे सीगे ते नहान तो पहला वो किड़ा स्थान सी जिथे वो 13 दिन तक रुके सीगे। वाहे गुरु जी वाहे गुरु कर कोई ना सकता यो जो तुसाने करे आसी जी गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो दाता मिलन बथेरिया मौत मूरे अड़ गए सी जुल्मा दे नाल लड़ गए सी वाहे गुरु जी वाहे गुरु। संगत जी हुण असी आप जी नूं लै के आ पुजे हैगे आ एक ऐसे स्थान दे उत्ते जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश ते हरियाणा दे बॉर्डर दे उत्ते स्थित हैगा। एक ऐसा स्थान जिहड़ा कि रूण नदी दे कंडे ते वसिया होया है। रूण नदी इत्थे दी इक लोकल नदी है जिहड़ी कि हरियाणा ते हिमाचल नूं आपस विच वंडदी हैगी। उस स्थान दे उत्ते एक सोहना जिहा गुरद्वारा साहब शोभायमान है जिथे असी इस वक्त खलोते हैगे आ जिहदा नाम है गुरद्वारा श्री टोका साहिब पातशाही 10वीं। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की याद विच वसिया हुआ इतिहासिक स्थान जिन्हों पुजन वास्ते सानू आनंदपुर साहब तो 145 किलोमीटर का सफ़र तय करना पिया। इस स्थान का जिहड़ा पिंड हैगा उहनूं असी मीरपुर के नाम तो जानने हैगे आ। बस स्टेशन भी मीरपुर का ही हैगा 1 किलोमीटर दूर है। तहसील जिहड़ी हैगी वह नहान दी हैगी ते ज़िला जिहड़ा हैगा वह हैगा सिरमौर जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश विच पैंदा हैगा। दिल्ली भी तकरीबन 145 किलोमीटर दूर है इस स्थान तो जिहनूं पुजन वास्ते तुसी अंबाला होकर इस स्थान उत्ते आ सकते हैगे हो। एयरपोर्ट जिहड़ा हैगा वह हैगा चंडीगढ़ का इत्थों जिहड़ा 70 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन जिहड़ा है वह अंबाला का है उसनों पहुँचने वास्ते आप जी लगते हैं 60 किलोमीटर अंबाला तो इस स्थान के उत्ते। सो कहण का भाव यह है कि यह स्थान रेल मार्ग के द्वारा बस स्टेशन के द्वारा तो नाल ही हवाई जहाज के द्वारा आपस में कनैक्टेड हैगा। तो इस स्थान के उत्ते आराम नाल आ सकते हैं। इस तो पहले कि आप जी असी अंदर लिया के हमेशा की तरह दर्शन कराइए इतने का इतिहास दसीए आओ आप जी थोड़ी सांझ पाने है इस गुरद्वारा साहब के नाल संबंधित जी सहूलत ने उदे बारे विच। तू ही संगत जी साढ़े नाल ने इस वक्त सरदार महेंद्र सिंह जी जिहड़े कि इस गुरुद्वारा साहब के प्रधान ने ते इन्हां नूं धर्मी फौजी भी आख्या जाता हैगा। धर्मी फौजी का अर्थ हैगा वो सारे व्यक्ति जिहड़े कि फौज विच काम करदे सी ते 84 दे दंगियां दे विच पंथ की सेवा लई
फौज की नौकरी छड़ के धर्म युद्ध में शामिल हो गए थे। सो आओ सरदार महिंदर सिंह जी उन्हों को पूछने है इस गुरद्वारा साहब के अंदर किड़े किड़े प्रबंध ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वीर जी, वीर जी पहले तो तुम सूँ यह दसो कि इस स्थान के उत्ते रहन का प्रबंध है कि नहीं? इत्थे रहन वास्ते संगत दे तकरीबन 20-25 कमरे हैं, रूम एसी हैं, हाल टैब भी कमरे हैं, रहन का बंदोबस्त इत्थे है। अच्छा, रहन वास्ते जे किसी ने कमरा बुक कराना होए बाहरों कोई आ रहा है तो उन्हें की करना पड़ेगा? अगर वो सानू फोन दे उत्ते सूचित कर दिते जो कि इत्थे नंबर लिखे हुए ने प्रबंधकों के, वो नंबर जिहड़े हैं उन्हां ते फोन आंदा है, असीं उन्हां दी बुकिंग कर लैंदे हाँ और आने तो परंतु उन्होंने कमरा दे देंदे हाँ। लंगर इत्थे गुरु का 24 घंटे टुट वरदा है, ज्यों ज्यों संगत आती है लंगर हर समय तैयार मिलता है। अच्छा, तो गुरद्वारा साहब के अंदर क्योंकि सानू नहीं पता सीगा कि इत्थे रहन का इंतजाम है कि नहीं, तो इस करके असी अंबाला ठहरे सीगे, तो इत्थे गुरद्वारा साहब के अंदर रहन का पूरा इंतजाम है, लंगर भी इत्थे 24 घंटे इत्थे मौजूद है, संगत आन जिन्हें भी ज़्यादा वध के आन इस स्थान के दर्शन करन, तो सब वास्ते लंगर की भी इत्थे पूरी सेवा उपलब्ध हैगी। नाल इत्थे कोई अपना गुरद्वारा साहब के नाल मिलिया वा कोई स्कूल डिस्पेंसरी कोई ऐसी चीज़? हाँ जी, इत्थे सरकारी डिस्पेंसरी है जिस दे कोई भी पिंड दा या कोई संगत है उसनू इलाज की जरूरत है वह किया जाता है। तो गुरद्वारा साहब के विच हैगी या दूर हैगी? गुरद्वारा साहब के अंदर है। गुरद्वारा साहब के अंदर सरकारी डिस्पेंसरी हैगी? सरकारी, हिमाचल सरकार वालों डिस्पेंसरी खोली हुई है। अच्छा जी, तो ऐसे स्थान तो मैं सुने कि यह इतिहासिक स्थान हैगा, तो ये काफ़ी सारी निशानियां भी गुरु साहब की जुड़िया ने, तो इतने की ऐसी चीज़ हैगी जी देखने वाली है कि जी आप जी सू दर्शन कराओगे? इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों अपने चरण पसे हैं इस धरती के उत्ते, इत्थे आ के गुरु जी ने जो अपने घोड़े बन्ने से उन्होंने जो किले गड्ढे से वह जामण के सी, वह बाद दो दरखत के रूप के अज भी मौजूद हैं, अते नाल ही गुरु जी ने एक अंब का बूटा लाया सी जो अज भी इत्थे अंब के रूप के मौजूद है। सारिया निशानियां मतलब इत्थे देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं? इत्थे सब निशानियां हाजिर हैं, जिथे गुरु जी तो अपने बैठ के अपनी भगती करते सन वह भी तपोस्थान के रूप के गुरद्वारा साहब सुशोभित है पहाड़ी के उत्ते सामने। तो संगत जी, इस गुरद्वारा साहब के अंदर काफ़ी ऐसी इतिहासिक धरोहर जिहड़ियां ने गुरु साहब दियां उन्हां दी निशानियां मौजूद ने जिदे आप अज इस एपीसोड के दर्शन करोगे, तो आओ हुण चलने हैं आप जी नूं अंदर लैके चलने हैं, गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने हैं, उपरांत इत्थे दा इतिहास भी दसने हैं, तो वह सारे स्थान जिहड़े गुरु साहब दी यादा नाल जुड़े हुए हैं उन्हां दे भी दर्शन कराने हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वीर जी, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन के संग साधु का, टहल संतन के संग साधु का, हर नामा जप परम गते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते। दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे, सदांग संगे अपंगं विभूते, दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे, सदांग संगे अपंगं विभूते, दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे, सदांग संगे अपंगं विभूते, दुकालं प्रणासि
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आओ हुण आप जी नाल सांझ पाने हैगे आ गुरद्वारा श्री टोका साहिब, जिहड़ा कि पिंड मीरपुर विच है हिमाचल प्रदेश विच, उहदे इतिहास दी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस स्थान दे उत्ते नहान दे राजा मेदनी प्रकाश दी बेनती ते अपनी माँ दी आग्या अनुसार पुजदे ने। इह उह स्थान है जिहड़ा कि नहान राज दी सीमा नाल लगदा हैगा। इस स्थान के उत्ते नहान दे राजा मेदनी प्रकाश अपने मुख्य वजीरां नूं लै के उन्हां दे आगमन ते सत्कार दियां सारियां रस्मां पूरी करन वास्ते इत्थे पुजदे ने। बड़े आदर ते सत्कार दे नाल गुरु साहब नूं इत्थे रिसीव किया जाता है। तो इस स्थान के उत्ते गुरु साहब ते उन्हां दी फौजां घट तो घट 13 दिन तक रुकियां, ऐसा इतिहास विच लिखिया हैगा। उपरांत राजा मेदनी प्रकाश बड़े मान इज्जत सत्कार नाल उन्हां नूं अपने राज दी जिहड़ी राजधानी सी नहान उत्थे लै के गए। इस स्थान दे उत्ते गुरु साहब दे नाल काफ़ी लम्मा चौड़ा इतिहास जुड़िया हुआ है, जिहड़ा आप जी नूं असीं एक एक करके दसांगे। इह उह स्थान है जिन्हों पहले पिंड टोका दे नाते जाणिया जांदा सीगा। टोका एक उह पिंड सीगा जिहदे अंदर रंगड़ जाति दे लोग रहा करदे सीगे। रंगड़ जाति दे लोगों के बारे में यह मनिया जाता हैगा कि उन्हों का पेशा चोरी करना सीगा। गुरु साहब दे जिस वक्त इत्थे लश्कर आते ने ते वो अपने घोड़े भी बंदे ने। इतिहास में लिखा हैगा कि गुरु साहब दे सिंगा दे 2 घोड़े खोल के रंगड़ जाति दे लोग लै जाते हैं, यानी कि चोरी कर लेंगे ने। अगले दिन जिस वक्त सिंह आके गुरु साहब नूं दसदे ने ते गुरु साहब रंगड़ा नूं बुलाते हैं। इत्थे रंगण इत्थे आ के साफ मना कर देंगे ने कि असी तो वह घोड़े देखे ही नहीं। इत्थे एक होर भी पिंड लगता सी जिहदा नाम सीगा लाहा। लाहा पिंड के अंदर गुरु साहब के मुरीद रहिंदे सीगे। गुरु साहब उन्हां मुरीदां नूं बुलाते ने ते आदेश देंदे ने कि तुसी जाके सूह ला के आओ ते दसो कि वह घोड़े रंगड़ा ने चुराए ने कि नहीं। लाहा पिंड के गुरु साहब के 2 सिख मुरीद भेस बदल के भिखारी दा जांदे ने पिंड टोका, ते उत्थे जाके उन्हां नूं पता लगता हैगा कि गुरु साहब दे सिंगां दे 2 घोड़े रंगड़ा ने ही चुराए ने, जिदे बारे विच ओह आके गुरु साहब नूं दसदे ने। गुरु साहब रंगड़ा नूं एक बार फिर बुलांदे ने। तद तक रंगड़ा नूं पता लग चुकिया हुंदा है कि गुरु साहब नूं साडी चोरी दे बारे विच पता लग चुकिया है। रंगड़ जिस वक्त इत्थे पहुँचते हैं तो गुरु साहब उन्हां नूं पुछदे ने कि भाई तुसीं या तुहाडे किसी बंदे ने साडे घोड़े तां नहीं चुराए। रंगड़ अपनी गलती मन जांदे ने ते गुरु साहब दे चरणां ते डिग जांदे ने। रंगणा की माफ़ी मंगण तो उपरांत दसम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिहड़े कि बख्शनहार ने, दयालू ने, वह रंगणा की गलती माफ़ कर देंगे ने। ते नाल ही पिंड लाहा दे वह सिख जिहड़े जाके सूह ला के आए सीगे उन्हां नूं अपना आशीर्वाद भी देंगे ने, ऐसा इतिहास विच लिखिया हुआ है। इस स्थान के उत्ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 13 दिन रुकण का इतिहास हैगा। ते नाल भी वह 2 वार इत्थे आए ने, ऐसा भी इतिहासकार दसदे ने। पहली बार वह इस स्थान के उत्ते उस वक्त रुके जिस वक्त वह नहान जा रहे थे, तो दूसरी बार उन्होंने चरण इस स्थान के उत्ते पे जिस वक्त वह पंगाणी का युद्ध करके वापस आनंदपुर साहब नूं जा रहे थे। इस स्थान के उत्ते मेन गुरद्वारा साहब जिहदे आप जी ने दर्शन किए, उस तो अलावा 2 स्थान होर भी ने जिथे गुरु महाराज का प्रकाश होया हुआ है, तो उन्हों का भी इतिहास है। पहला स्थान वह हैगा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਹਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਾਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇੜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਮੁਨ ਦੇ 4 ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ AC ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ
इस स्थान के बारे में जोड़ा इतिहास हैगा वो कुछ इस प्रकार नाल हैगा कि जिस वक्त धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंगाणी के युद्ध को जीत के वापस आनंदपुर साहब जा रहे थे तो टोका पिंड रुके से जिथे गिरद गुरद्वारा टोका साहब हैगा उन्होंने नाल उन्होंने दो सिंह भी सीगे जिड़ी कि कायल अवस्था से उन्होंने नाँ इतिहास में भाई अजीत सिंह जी तो भाई संघू सिंह जी के नाते आता है इस स्थान के उत्ते उन्होंने अपना शरीर छड़िया अकाल चलाना कर गए जिस करके उन्होंने याद के उत्ते इत्थे शहीदी स्थान बनाया गया है शहीदी गुरद्वारा बनाया गया है तो लोग इत्थे आके दर्शन करते हैं इस छोटे जे स्थान के उत्ते महाराज का स्वरूप प्रकाशित है आओ आप जी भी दर्शन करो संगत जी आओ हुण आप जी नूं असीं लै के चलने हैगे आ गुरद्वारा श्री टोका साहब जी के ठीक सामने उत्ते दी ओर एक छोटी जी पहाड़ी के उत्ते आप जी हुण दर्शन कर रहे हैगे हो पहाड़ी के उत्ते स्थित उस गुरद्वारा साहब के जिन्हों गुरद्वारा श्री तप स्थान के नाते जाने जाता है यह वो स्थान है जिस वक्त धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 13 दिन अपनी दो पड़ाव विच इस स्थान के उत्ते रुके सीगे तो ऐसी स्थान के उत्ते बैठ के वो तप किया करते सीगे आओ आप जी भी इस स्थान के दर्शन करो तो लाभ लो कर कृपा तेरे गुणगाम कर कृपा तेरे गुणगाम संगत जी हुण तुसी दर्शन करो गुरद्वारा शहीदी स्थान के नाल पिछे दे पासे एक खूह साहब दे जिदे बारे में दसिया जाता है कि यह खूह साहब जस्सा सिंह आलूवालिया जी के द्वारा लगवाया हुआ सीगा यह खूह साहब हले इस वक्त वरतों में नहीं है तो बंद है पर इस खूह साहब के तुसी दर्शन कर सकते है गे हो गुरु गोबिंद सिंह 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 नासरो मनसु संगत जी आज दे एपिसोड्स विच आप जी ने जानिया धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बहुत सारा इतिहास उन 9 साल का इतिहास जिहड़ा कि उन्होंने विआह तो लैके नहान जाण तक का सीगा ते उस उपरांत जिस वक्त वो नहान दे वास्ते चाले पा के नहान पहुँचन लगे ते नहान तो पहले जिस स्थान के उत्ते आके रुके सीगे जिथों असी इस वक्त आप जी नाल मुखातिब हैगे आ यानी कि गुरद्वारा श्री टोका साहब उहदा सारा इतिहास तो यह सारा इतिहास जिन्ना भी असं आप जी दस्या है दसन वक्त कोई भुल चुक भी हुई होगी तो एक भुल चुक मेरे को ही हैगी जिदे वास्ते मैं क्षमा का याचक हाँ तो मैं करैक्ट भी कर रहा है वो यह हैगी कि दिल्ली जो है स्थान के उत्तों 140 किलोमीटर नहीं तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हैगा सो भुला चुकों की माफी अगे तो असी कोशिश करा कि आप जी सुचा सच्चा इतिहास दसीए तो बोलने साढ़े को गलती ना हो हूँ असी आप जी अगले एपीसोड लैके चलोंगे नहान जिहड़ा इतों तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी तो होएगा तो उस स्थान के भी आप जी दर्शन करावांगे तो उत्थे दा भी सारा इतिहास दसांगे तद तक तुसी साडे नाल बने रहो तो देखते रहो साडी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर के उत्ते नाल ही रोज़ाना दो वारी PTC सिमरन के उत्ते तो कल आप जी नाल फिर मुलाकात होएगी तद तक दे लई इजाजत वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह वाहे गुरु कर कोई ना सकता यो जो तुसाने करे असी जी गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो दाता मिलन बथेरिया मौत मूरे अड़ गए सी जुल्मा दे नाल